अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलबा, आपको इस साइड में एक तरसीम दिखाई दे रही है। इस तरसीम में मजमूई कौमी पैदावार GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को बताया गया है। इसे 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी भारत के 10 लाख में जाहिर किया गया है। इस तरसीम में भारत, ब्राजील और अमेरिका इन 3 मुल्कों के दरमियान मुवाजना किया। जैसे आप देखेंगे तो ब्राजील को नीले रंग से जाहिर किया गया है, भारत को लाल रंग से और अमेरिका को हरे रंग से इसमें जाहिर किया गया। अब हम तरसीम की जानी रुख करते हैं और सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरसीम में पहला सवाल है कि 2016 में किस मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार सबसे ज्यादा थी। तो आपको मैं बताता चलूं कि जब आप इस तरसीम का मुवाजना करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो 2016 की सतून है तो उस सतूनों में आप देखेंगे कि जो अमेरिका है तो इसकी जो कौमी मजमूई पैदावार है या मजमूई कौमी पैदावार है वो सबसे ज्यादा है और वो है 1,90,000 मिलियन डॉलर के करीब। अब हम दूसरे सवाल की जानिब रुख करते हैं। ब्राजील और भारत का मुवाजना करते हुए बताइए कि 1980 में किस मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार ज्यादा है। तो हम जब इस तरसीम का मुशाहिदा करेंगे तो हमको पता चलेगा कि 1980 के अंदर ब्राजील और भारत के जो 2 सुतून हैं उसमें से जो ब्राजील का सुतून है वो भारत से थोड़ा बड़ा है। तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1980 में ब्राजील की जो मजमूई कौमी पैदावार है वो भारत से ज्यादा है। चलिए प्यारे तुलबा, अब सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं। ब्राजील और भारत का मुवाजना करते हुए बताइए कि 2016 में किस मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार ज्यादा थी। जब हम इस तरसीम का मुताला करेंगे तो हमको इस बात का इल्म हो जाएगा कि 2016 में ब्राजील की बनिस्बत भारत की मजमूई कौमी पैदावार ज्यादा है, क्योंकि जब हम 2016 के सुतून का मुताला करेंगे तो वहां पर जो भारत का सुतून है वो ब्राजील से बड़ा है। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 4 की जानिब आते हैं। 2016 में भारत और ब्राजील की मजमूई कौमी पैदावार के दरमियान फर्क बताइए, यानी आपको क्या करना है, भारत और ब्राजील की जो कौमी पैदावार है 2016 में इसमें कितना गैप है, इसमें कितना फर्क है, वो हमको इस सवाल में बताना है। तो हम तरसीम का मुताला करेंगे। हम 2016 के जो सुतून है भारत और ब्राजील इसको देखेंगे तो इसमें हमें वाजे तौर पर दिखाई देगा कि 2016 में भारत और ब्राजील दोनों के दरमियान 10 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का फर्क हमको दिखाई देता है। सवाल नंबर 5 क्यों है। 2016 में तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों की मजमूई कौमी पैदावार का फर्क बताना है, यानी हम इस सवाल में समझेंगे कि भाई जो तरक्की याफ्ता ममालिक है जैसे अमेरिका, अब तीनों मुल्क में जो अमेरिका है वो तरक्की याफ्ता ममालिक है और ब्राजील और भारत ये तरक्की पजीर ममालिक है, तो दोनों के दरमियान जो मुवाजना है, जो फर्क है डॉलर का, वो हमको इस सवाल में बताना है। तो जवाब कुछ इस तरीके से रहेगा इसका कि 2016 में तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों की मजमूई कौमी पैदावार का जो फर्क है तकरीबन 1,70,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।